वैसे तो भारत में अनगिनत मंदिर है और सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यता भी है। देवी देवता का हर मंदिर अपने पीछे कोई ना कोई रहस्य लिए बैठा है। भक्तगण भी मंदिरों के प्रति अपनी विशेष आस्था दिखाते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्त देवी देवताओं के प्रति तो अपनी श्रद्धा दिखाते ही हैं, पर साथ ही देवताओं की सवारी को भी प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे कि भगवान गणेश की सवारी चूहा, माँ दुर्गा की सवारी शेर, इन्हें भी भगवानों की तरह ही अहमियत दी जाती है। लेकिन आपको हम बता दें कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर हजारों सालों से देवी के रूप में बिल्ली की पूजा की जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, माता के रूप में पूजा करने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है। यह अनोखा मंदिर कर्नाटक के मांड्या जिले से 30 किलोमीटर दूर बिकतानार गांव में स्थित है। कन्नड़ भाषा में बिल्ली को बिक्को कहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम भी इसी के आधार पर रखा गया है। बताया जाता है कि कर्नाटक में लोग बिल्लियों को बहुत ही शुभ मानते हैं और यहाँ हजारों सालों से लोग बिल्लियों की पूजा कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों इस मंदिर में बिल्लियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी मंगमंगा पूरी शक्तियों से गांव की रक्षा करती है और एक बार वह बिल्ली के रूप में अपनी शक्तियां दिखाकर गायब हो गई थी और उस जगह पर एक निशान छोड़ गई थी। उसी दिन से यहाँ देवी के रूप में बिल्ली की पूजा की जाती है। आपको बताएं तो यहाँ के लोग बिल्ली को भगवान मानते हैं। कर्नाटक के बीकानेर गांव में लोग बिल्लियों को बहुत शुभ मानते हैं। यही कारण है कि वह बिल्लियों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और बिल्लियों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। यहाँ कोई बिल्ली मर जाती है तो गांव के लोग उसे पूरी विधि विधान के साथ दफनाते हैं। गांव के लोग मिलकर यहां मंगमंगा देवी का त्यौहार भी मनाते हैं। अगर आप भी कभी कर्नाटक घूमने जाएं तो एक बार मंगमंगा देवी के दर्शन जरूर करें। जी हां दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया जानते हैं।